प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे मशहूर पत्रकार आरजू काजमी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारत के दमदार कर्नल एस दिनी साहब। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जिसमें ये दोनों ना सिर्फ बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, बल्कि चर्चा होगी भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और नॉलेजेबल वीडियो लाते रहे। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ हैं जी कर्नल एस दिनी साहब, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग वंस अगेन। थैंक यू सर। सर खूब गर्मी पड़ी होगी आपके एरिया में, तो हमारे यहाँ भी बहुत गर्मी है जी। जी जी बिल्कुल, गर्मी तो बहुत ज्यादा है, आई थिंक पीक ऑफ समर्स कह सकते हैं अभी तो। बिल्कुल ऐसे ही, और सर अभी 4 मंथ्स ऐसे ही हमारे यहाँ तो यही हाल रहना है। लेकिन फिर भी सर, उसके बावजूद सर इलेक्शंस भी चल रहे हैं, और इलेक्शन के बीच में पुंछ के एरिया में एक अटैक भी हुआ, कई तरफ से पाकिस्तान की आवाजें भी लगी, और आपके यहाँ के फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी जो है वो अजीब सा स्टेटमेंट एक उन्होंने भी दे दिया। अभी तक हालांकि किसी ग्रुप ने, अभी तक मैंने नहीं सुना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हो, लेकिन आपको क्या लग रहा है, क्या ये इलेक्शन से रिलेटेड कुछ हो रहा था जो इस किस्म का अटैक हुआ है, या अभी भी जो पाकिस्तान की साइड से या किसी भी साइड से नॉन स्टेट एक्टर्स जो है वो उनका आना जाना है, या कश्मीर के अंदर ही कुछ लोग हैं जो जो इस किस्म की कार्रवाइयां करते हैं? देखिए आजू जी, कुछ दिनों से अगर हम ये ठीक से अगर बोले तो पिछले साल जनवरी से, दैट इज 2023 जनवरी से ही हमने एक डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस देखे हैं जम्मू एंड कश्मीर में, जिसका फोकस पुंछ राजौरी सेक्टर में आना लगा। पहले तो कश्मीर की जो वैली थी वहाँ पर सबसे ज़्यादा अटैक्स और सबसे ज़्यादा वायलेंस होता था, लेकिन वहाँ से हटके पुंछ और राजौरी जो कि एक टाइम में बहुत ज़्यादा एक्टिव था 97 से लेकर मेरे ख्याल से 2000 के जो शुरू के जो सालों हैं, वहाँ पर काफ़ी एक्टिव एरिया था, वो लाइव एरिया था, लेकिन उसके बाद वहाँ पर काफ़ी कंट्रोल में आ गया था। और पिछले साल एक के बाद एक लगातार अटैक्स हमने इस पुंछ और राजौरी सेक्टर में देखे, जहाँ पर सिविलियंस की भी कैजुअलिटी हुई और अनफॉर्चुनेटली फौजियों का भी, हमारे जो फौजी हैं उनकी भी कैजुअलिटीज। तो ये जो सिलसिला अभी लेटेस्ट जो हुआ है उसी सीरीज ऑफ अटैक का सबसे आखिरी जो अटैक है अब हुआ है। तो ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, जैसे आपके जो क्वेश्चन है उसी में मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहली चीज़ तो देखिए, जो कश्मीर वैली है, कश्मीर वैली में भारतीय सेना या आर्मी का एक काफ़ी अच्छा काउंटर टेररिज्म ग्रिड बना हुआ है, तो वहाँ पर इस तरह के ऑपरेशंस जिस तरह से अभी यहाँ पुंछ राजौरी सेक्टर में कर रहे हैं, उस तरह का ऑपरेशंस वहाँ ऑलमोस्ट नामुमकिन जैसे ही हो गया, क्योंकि उतना तगड़ी वहाँ पर काउंटर टेररिज्म ग्रिड है। लेकिन पुंछ और राजौरी सेक्टर में क्या है, एक तो वहाँ इन्फिल्ट्रेशन ईजी है, क्योंकि वो टेरेन इस तरह से इन्फिल्ट्रेशन करना ईजी है। दूसरी चीज़, वहाँ से उस इलाके से कुछ एक RR के यूनिट्स, लद्दाख के जो इशू जब हुए थे 2020 में, तो यहाँ से उठ के वहाँ चले गए थे, तो एक वैक्यूम टाइप है। मैं ये नहीं कह रहा कि कंप्लीटली खाली हुआ है, लेकिन कुछ ट्रुप्स जरूर गए थे। तो जहाँ भी टेररिज्म होता है, और हमारे भी एक सीनियर ऑफिसर ने भी सही कहा है कि ये टेररिज्म पानी की तरह होता है, जहाँ कम रेजिस्टेंस होती है उस तरफ बहता है। तो जहाँ पर ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा तो वहाँ रुकते नहीं है, जहाँ पर कम रेजिस्टेंस होता है पानी की तरफ वहाँ बहते हैं। तो मेरे ख्याल से जहाँ पर उन्होंने देखा कि इस इलाके में अभी फौजी थोड़ा कम हो गए, तो वहां पर उन्होंने अटैक करना शुरू किया। और उनकी अटैक भी बहुत सोची समझी अटैक है। उन्होंने वहां पर दे हैव नॉट एंगेज्ड इन जो कहते हैं ना, जो लास्ट मैन मतलब फाइट करने वाला, वैसा नहीं है, एम्बुशेस कर रहे हैं। मतलब जब रोड आते हैं तो दोनों तरफ ऊपर बैठे होते हैं, वहां से फायर करते हैं, गाड़ियों के शीशे पर पहले फायर करते हैं, उसके बाद गाड़ियों पर लगातार फायर करते हैं, और फिर वहां से निकल जाते हैं। वहां पर खड़े होकर वो फायर फाइट या उस तरह से फाइटिंग करने का वो जो है वो नहीं कर रहे हैं। तो ये इस तरह का एक टैक्टिस है कि बेसिकली पाकिस्तान से जो हैंडलर्स हैं वो ये चाहते हैं कि कश्मीर की जो मुद्दा है वो हमेशा लाइव रहे। तो अगर कश्मीर की मुद्दे को लाइव रखना है तो कश्मीर वैली में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है उनको, तो इस इलाके में खासतौर पे जहां पर फौजी कम है अभी, तो उसको लाइव रखने के लिए उन्होंने ये एक नया ऑपरेशन स्ट्रैटेजी बनाया है, जो कि कॉन्वॉयज के ऊपर अटैक कर रहे हैं, फौजियों के जो मूवमेंट के उसके ऊपर अटैक करना। तो मेरे ख्याल से ये लेटेस्ट है, और उनका टाइमिंग भी बहुत सही चुना है। और आपने सही कहा कि जब इलेक्शंस होते हैं,
खासतौर पर भारत पे जब भी इलेक्शन होते हैं तो वो हमेशा, क्योंकि पूरी की पूरी दुनिया का नजर उस टाइम भारत के ऊपर होता है, और खासतौर पर जो इस डिस्ट्रिक्ट है जहां पर इलेक्शन मई 25 को होने वाला है, जहां पूंछ और राजौरी, तो उससे पहले एक अटैक करने से क्या होता है, अब लाइमलाइट पे आ गया। तो मेरे ख्याल से ये एक कश्मीर के जो मुद्दा है उसको लाइव रखने का एक और अटेम्प्ट है। सर मैं ये तो नहीं कहूंगी कि पाकिस्तान की तरफ से कभी कोई गया ही नहीं या हमारे यहाँ से कभी बोला ही नहीं गया कश्मीर को लेकर। बिल्कुल स्टेटमेंट्स दी जाती हैं और कई बार ये भी कहा जाता है कि जी नॉन स्टेट एक्टर हैं तो हम क्या करें, इस किस्म की स्टेटमेंट्स भी आई हैं। उससे पहले कुछ सालों पहले हमने देखा था कि हाफिज सईद को जब इन्होंने अरेस्ट नहीं किया था या हाउस अरेस्ट नहीं किया था तब उसकी स्टेटमेंट भी आया करती थी, तो वो एक टेंशन तो चलती है। लेकिन अगर हम जैसे बलूचिस्तान को देखते हैं तो बलूचिस्तान के लिए बार बार पाकिस्तान कहता है कि जी भारत जिम्मेदार है, जी भारत की तरफ से ये हो गया, भारत की तरफ से वो हो गया। लेकिन कई बार अंदर जो लोग हैं बलूचिस्तान के, अपने जो एक्टिविस्ट हैं या अपने जो लोग हैं, वो भी किसी ना किसी वजह से गवर्नमेंट से नाराज होते हैं, तो वो इस किस्म की कोई ब्लास्ट या कभी कोई चीज करते हैं जिससे कि गवर्नमेंट की अटेंशन हो या पूरा दुनिया उनकी तरफ देखना शुरू कर दे। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के साथ तो चले जो टेंशन कश्मीर की है सो है, लेकिन कश्मीर के अपने अंदर भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस किस्म के अटैक्स को जो है वो प्लान करते हैं और उसके बाद उसको करते हैं ताकि वो अपना कोई भी सही गलत में उसमें नहीं पढ़ूंगी, लेकिन कोई मैसेज देने के लिए, कोई बात करने के लिए, या आप समझते हैं कि नहीं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ही रिस्पॉन्सिबल है? देखिए आजू जी, एक टाइम मैं ये मानता हूँ कि पहले जब था तो कश्मीर के जो, और मैं जब कश्मीर बोल रहा हूँ ये जम्मू एंड कश्मीर, ये जो पुंछ राजौरी, ये पूरा के इलाके को लेके बोल रहा हूँ, लद्दाख को छोड़ के बोल रहा हूँ मैं, तो एक टाइम था जबकि लोगों के अंदर एक भावना थी कि हमें इग्नोर किया जा रहा है या हमें जितना जिस तरह से हमें देखना चाहिए उस तरह से नहीं मिल रहा। वो उसका भी कारण ये है कि जो वहां के लोकल पॉलिटिशियंस है उन्होंने अपने जो फायदा के लिए इस तरह का नैरेटिव्स क्रिएट किए थे कि ताकि वो कश्मीर अलग, कश्मीरियां अलग और भारतीय के बाकी लोग अलग करके, इस तरह के नैरेटिव उन्होंने किया था, लेकिन ग्राउंड पे हालात वैसे नहीं थे। अब क्या है, वो चेंज बिल्कुल हो गया है। अब आप देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ जहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होना चाहिए तो कश्मीर में जो वैली है वहां वायलेंस बहुत ज्यादा कम आ गया है। आप पिछले साल देखिए 2022 में मेरे ख्याल से 1.8 करोड़ के आसपास टूरिस्ट आए, 1.8 करोड़, और पिछले साल तकरीबन 2 करोड़ के ऊपर टूरिस्ट आ रहे हैं। तो उधर इतना ज्यादा डेवलपमेंट आ रहा है, आप देखिए टनल है जो वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल है वो बन रहा है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टनल है वहां बन रहा है, एम्स जो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये सब चीजें जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यूथ के लिए जो प्रोग्राम्स हैं, ये सब कुछ कश्मीर में आ रहा है। तो आज की तारीख में जैसे आप भी जिस मीडिया में हो, सोशल मीडिया में इतने एक्टिव रहते हो, तो आजकल क्या है कोई भी चीज को छुपाया नहीं जा सकता आरजू जी, चाहे हम मतलब मैं बोलने से या आप बोलने से लोग शायद नहीं मानेंगे, लेकिन जो ग्राउंड पे हो रहा है वहां पर हर आदमी जर्नलिस्ट है, हर आदमी इन्फ्लुएंसर है कश्मीर में, आज तो हर आदमी अपना यूट्यूब चैनल और सब कुछ कर रहा है। तो मेरे ख्याल से मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% हमने सारे हल प्रॉब्लम का हल कर दिया, लेकिन जिस तरह से पहले होता था कि ये जो नैरेटिव था कि हमारा वहां पर देखभाल नहीं हो रहा, वो से हटके अब वहां पर भारत माता की जय और इस तरह की चीजें वहां पर ज्यादा होने लगा है। उसका कारण ये है कि लोगों के इश्यूज को एड्रेस किया जा रहा है, लोगों के जो डेवलपमेंट इश्यूज हैं, जो रोजी रोटी की वाली बात है उसको एड्रेस किया जा रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें करना है। तो इस सिलसिले में जब हम देखते हैं ये जो चीजें हैं अभी जो हो रहा है वो कैलिब्रेटेड हो रहा है फ्रॉम पाकिस्तान, जो डीप स्टेट है वहां से हो रहा है। यस, मैं ये मान सकता हूं कि यहां पे भी कुछ लोग हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, वो तो हर जगह पर होते ही होते हैं, जैसे आपने बलूचिस्तान का नाम लिया, तो उस तरह पे वहां पर लोकल्स भी होंगे, उनको पैसे के लालच होगा, कोई किसी और वजह से लालच होगा। मैं ये नहीं बोल रहा 100% यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ के भी लोकल्स हैं, उनका अपना अपना कारण होगा, लेकिन जिस हालात में थे पहले, जो रिजेंटमेंट थी, जो यू नो, जो जिस तरह के वो हट गया है आरजू जी, वो कम्प्लीटली हट गया, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो जम्मू में हो, और खासतौर पर इस इलाके में, ये जो राजौरी पुंछ सेक्टर जो कि दोनों के बीच का बफर टाइप बनता है, वहां पर भी लोगों के अंदर ये बदलाव आ रहा है कि उनको वहां रिजर्वेशंस मिल रहे हैं। तो कई सारे चीजें हैं जो जिनकी वजह से जो हालात पहले थे आजकल, आज वो जेन्युइन सा कोई रीजन नहीं है जिसकी वजह से अगर मैं आपकी बात मानूं कि लोगों के अंदर ही इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि वो करे, वो जेन्युइन कोई रीजन आज की तारीख में नहीं है। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन सर आपके डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कुछ टाइम पहले कहा पाकिस्तान में टेररिज्म के हवाले से उन्होंने बात की और कहा, रेफरेंस देते हुए उन्होंने कहा कि जी वही जो आप लोग कहते हैं घुस के मारेंगे, उस तरह की बात हो यार, हमारे यहाँ एक हंगामा हो गया,
उसके नेक्स्ट डे उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान को अगर नहीं संभाला जा रहा, टेररिज्म को नहीं रोक पा रहे, तो हम मिलके भी काम कर सकते हैं। मेरा ख्याल है वो ज्यादा सेंसिबल बात थी जो उन्होंने की। आपको लगता है कि दोनों कंट्रीज मिलकर इस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं? क्योंकि पहले ठीक है पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट किया जाता रहा जिहादी माइंड को या इस तरह की एक्टिविटीज को, लेकिन कई बार FATF में गए हैं, उसके बाद आप जानते हैं कि पूरी दुनिया की तरफ से प्रेशर आया, स्पेशली अमेरिका और कई कई जगह से, तो अब उसको कंट्रोल करने की भी कोशिश की जा रही। कई ये अननोन गनमैन वाली स्टोरी भी चली हमारे यहाँ, और फिर कह दिया गया कि जी भारत की तरफ से किया जा रहा है, और 3 साल में भारत ने हमारे जो है तकरीबन 20 या 22 लोग मार दिए हैं। लेकिन बहुत से लोगों का ये भी ख्याल है कि पाकिस्तान के लोग या एजेंसीज भी कहीं ना कहीं जो है, अगर इन केस अगर 1% मान लिया जाए भारत कर रहा है, तो तब भी एजेंसी जो है पाकिस्तान की वो इन्वॉल्व है और शायद उनको गाइड कर रही है कि कौन कहाँ है और क्या है। आपको लगता है कि मिलकर ये कोई काम कर सकते हैं? आरजू जी, देखिए कई सारी चीजें हैं जो ओपन डोमेन में होता है और कई सारी चीजें हैं जो ओपन डोमेन में नहीं होता है, और इंटेलिजेंस एक ऐसा चीज है जो 90% जो चीजें हैं वो हमारे और आपके या पब्लिक, आम पब्लिक के सामने नहीं होता। मैं एक एग्जाम्पल अगर आपको दूं, जनरल परवेज मुशरफ साहब का जब वो प्रेसिडेंट थे, तो उनके ऊपर काफी सारा अटेम्प्ट हुआ था असैसिनेशन करने का, तो उनको जो इनपुट्स दिया था उसमें से इंडिया ने भी उनको इनपुट्स दिया था कि आपके अगेंस्ट इस टाइम पे इस तरह का अटैक होने वाला है, और वो सही साबित हुए थे। तो मेरे ख्याल से जो इंटेलिजेंस का जो शेयरिंग होता है, वो इंटेलिजेंस शेयरिंग एक सिस्टम होती है, वो हर हर कंट्री के बीच में होता है, और मेरे ख्याल से खास तौर पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल ही रेडिकल, बिल्कुल ही जो बुद्धि से जो बिल्कुल भ्रष्ट हो गए हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उससे चाहे वो भारत के खिलाफ ही करने की प्लानिंग हो, लेकिन उससे क्या होगा कि जो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत बड़ा उसका सदमा पहुंच सकता है। तो ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग हैं जो अभी भी बैलेंस्ड हैं, जो अभी भी सोचते हैं कि यू नो तरक्की होनी चाहिए, कुछ अभी भी सोचते हैं। मेरे ख्याल से इवन बाजवा साहब ने अपने, जनरल बाजवा साहब ने अपने तरीके से, उन्होंने भी कोशिश की थी कि जो इकोनॉमी को सबसे आगे रखें, और जो दोस्ती है, और जो मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही गहरा दोस्त बन रहे, लेकिन जो एक दुश्मनी वाला चीजें से हटा के फोकस इकोनॉमी पर करने की उन्होंने भी कोशिश की थी, बट वो फेल हुए वो अलग बात है। तो मैं ये मानता हूं कि ऐसा लोग हैं पाकिस्तान के अंदर भी जिनके यू नो बैलेंस्ड व्यूज हैं, और जो जानते हैं कि जिस तरह से एक स्ट्रैटेजी 1979 से जो फॉलो कर रहे हैं उससे सिर्फ बर्बादी हुई है, और सबसे ज्यादा बर्बादी पाकिस्तान के अंदर ही हुई है और अभी भी हो रहा है। तो उनका अगर परसेंटेज बढ़ता है अर्जु जी, तो मैं ये मानता हूं कि देयर इज डेफिनेटली स्कोप फॉर ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट, और जो जो जॉइंट तरीके से इस टेररिज्म जैसे एक एक जो एक एक बहुत ही बड़ा पेन या बहुत ही बड़ा डिसीज, मैं मानता हूं कि एक रोग है जिसको सॉल्व किया जा सकता है। क्योंकि अगर हमारे पास इंटेलिजेंस है तो ये ऑपरेशन करने में भारतीय फौज को पाकिस्तान में आने की जरूरत नहीं होगी, पाकिस्तान आर्मी खुद कर सकती है। लेकिन इंटेलिजेंस, फंडिंग कहाँ से आ रहा हो, इस तरह का जो रेडिकलाइजेशन को नैप करना, सोशल मीडिया में किस तरह का इम्पैक्ट हो रहे हो, इन सब चीजों में मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में जब दोनों तरफ एक माहौल बनेगा, और खासतौर पर पाकिस्तान की तरफ से, डीप स्टेट की तरफ से एक एक, एक उस तरह का एक व्यू पॉइंट का मेजोरिटी मिलेगी, तो मेरे ख्याल से दैट पार्टनरशिप हम रूल आउट नहीं कर सकते। मैं एक ऑप्टिमिस्ट हूँ, मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो ताकि जो वहां पर भी जनता आम यू नो आराम से जिए, और भारत में भी तसल्ली से और आराम से जिए, और इवन अफगानिस्तान की तरफ भी लोग चैन से जिए। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और आरजू कासमी जी के सवाल और कर्नल साहब के जवाब आपको काफी पसंद आए होंगे, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।